शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काजल का ये हाल देखकर हमारा तो कलेजा फटता है बेटी, पर करें तो क्या करें, उदासी का कोई इलाज भी तो नहीं होता। होता है अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। आप काजल भाभी की फिर से शादी क्यों नहीं कर देते? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हमारा समाज आज भी विधवाओं की शादी को सम्मान नहीं देता, और जो लड़की एक बार सात फेरे ले चुकी हो उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी तो नहीं मिलता। ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं एक बहुत अच्छे घर का लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। आप बस मुझे एक बार कह दीजिए कि आपको कोई एतराज नहीं। लेकिन बेटी, तुम हमारी बेटी के लिए खुशियां लाओगी तो हमें एतराज कैसे हो सकता है? बस तो फिर बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने तो काजल भाभी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का सोच भी रखा है। हेलो। हेलो। ओ हाय जिया, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मोंटी, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुमने अपनी शादी का सूट बनवा कर रखा है? हाँ बिल्कुल। बस उसको ड्राई क्लीन करवा लो, उसको पहनने का टाइम आ गया है। रियली? सच कह रही हो तुम? उछलो मत एक्सक्यूजी, जो कहा है वो करो। ओके बाय। बाय भाभी। अरे जिया तुम, भाभी देखो तो ये जोड़ा कैसा है। बहुत सुंदर है, जैसी हमारी जिया। बातें बहुत मीठी करती हैं आप। बस तुझे देखकर मुंह में मिठास आ जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एनीवे, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए। ये तो क्या कह रही है, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं विधवा हूँ जिया, मैं ये जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? किस जमाने की बातें कर रही हैं आप भाभी, ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। जो भी हो, समाज कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। आपको मेरी खुशी देखनी है या समाज की? तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर डालू जिया। तो बस आप ये जोड़ा पहनकर जरूर आएंगी, और यही नहीं, आज तो सगाई की अंगूठी भी मैं आपके हाथ से ही लूंगी भाभी। नहीं देख, देख तू मुझे मजबूर मत कर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप मुझे अच्छी तरह से जानती है ना भाभी? राम सिंह ले जाओ। राम राम राम, क्या घोर कलयुग आ गया है। हाँ बुआ जी, देखो तो सही, क्या सज धज के आई है। आज के जमाने में धर्म कर्म का तो कुछ रहा ही नहीं। वही तो है ये करण की विधवा। क्या तो नाम है इसका? जी काजल नाम है इनका, और हाँ ये वही है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है, खुलकर कहिए ना। कहना क्या है बेटी, इतनी सज धज इसको शोभा नहीं देती। अभी दिन ही कितने हुए पति को मरे। ये तो सही कहा आप लोगों ने, लेकिन आपका भी तो बेटा मर गया था पिछले साल, और कविता तुम्हारी बहन भी तो मर गई थी, और मिसेस खन्ना के तो डैडी नहीं रहे, लेकिन आप लोग तो बड़ी सज धज के आई हैं। वो बात नहीं है बेटी, विधवा के जीवन के नियम अलग होते हैं, यही तो हमारे समाज की परंपरा है। ओह आई सी, बड़े दोगले किस्म के नियम है आप लोगों के। अगर बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर पति मर जाए तो सफेद लिबास पहन लेना चाहिए। क्यों, मैं पूछती हूँ, क्यों ये नियम लागू होते सिर्फ हम औरतों पर, मर्दों पर क्यों नहीं? क्यों नहीं पहन के घूमते ये मर्द सफेद लिबास? वाह रे मेरे देश की परंपरा। चलिए अगर यही बात है तो आज से काजल भाभी विधवा नहीं, हम उनकी दूसरी शादी करवा देंगे। राम सिंह, मोंटी आओ मेरे साथ, पहना दो एक दूसरे को अंगूठी। ये तो क्या कह रही है जिया, सगाई तो तुम्हारी और राज की होनी चाहिए। होगी, लेकिन पहले बड़ी बेटी की तो हो जाए, राइट पापा? बिल्कुल ठीक बेटा। काजल, तुम हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी हो, और इसी नाते हमने समझा कि
इसी में तुम्हारी भलाई है बेटी। हाँ बेटी, अभी तो सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम तो शुक्रगुजार हैं सिंघानिया साहब के और इनके इस नेक ख्याल के। बेटे ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? किसी ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ? क्यों भाभी, मोंटी में कोई कमी है क्या? जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने वाले पति राज से प्यार है। बस जिया प्लीज। हाँ काजल, क्या मैं पूछ सकती हूँ किस अधिकार से तुमने राज को अपने मरने का वास्ता दिया ताकि वो मुझसे शादी कर ले? और वो क्या वजह थी कि राज ये शादी करने के लिए तैयार हो गया? सब जानती हूँ मैं, सब सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी कि तुम शादी मुझसे करो और प्यार इससे। बस बस करो जी, अब बस करो, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोंटी मोंटी हाथ आगे करो, पहनाओ मुझे अंगूठी। रुक जाओ, इनफ इज इनफ, होश में आओ काजल। किसी और की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। क्यों क्यों, दूसरी शादी करने से क्या जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों रोक रहे हो तुम इसकी शादी? क्या लगती है ये तुम्हारी, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि तुम्हें बीवी भी मिल जाए, रखेल भी बनी रहे? तुम जानना चाहती हो मेरी क्या लगती है? जानना चाहती हो? मेरी, किसी को कुछ बोलना है? Anybody has problems? कुछ बोलना है आंटी जी? हाँ बोलो। राज, यही तो मैं चाहती थी, यही, इसीलिए मैंने मोंटी के साथ इस सगाई का झूठा नाटक रचा ताकि तुम सबके सामने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर सको। मैं तुम्हारे कंधे का बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे पंख बनना चाहती हूँ जो तुम्हें ऊंची आजाद उड़ान पर ले जाए। जिया, बहुत बड़ी हो गई है तुम। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत गलत। I'm sorry कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना राज, अनजाने में ही सही, बहुत दिल दुखा मैंने काजल का। काजल मुझे माफ कर देना।